दिल्ली से चंडीगढ़ जाना महंगा हुआ। करनाल स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल बढ़ा दिया गया है। 145 रुपए पहले जो टोल था वो अब 155 रुपए कर दिया गया है। 215 की जगह 235 रुपए में अब डेली पास बनेगा। वहीं जो मंथली पास है वो 4710 रुपए में बनेगा। तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर अब महंगा हो गया है क्योंकि टोल के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। चलेंगे अपने संवाददाता हिमांशु नारंग के पास। हिमांशु, कितना इजाफा किया गया है टोल की प्राइसेस में और ऐसा किया क्यों गया है? उनकी कीमतें 1 सितंबर से बढ़ती है। तो जो करनाल का टोल प्लाजा है, घरोंडा के अंदर बस्तारा टोल प्लाजा, उसकी कीमतें 1 सितंबर से बढ़ती हैं। पहले एक तरफ की यात्रा कार वैन के लिए 145 रुपए में होती थी, अब आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। आना जाना पहले 215 रुपए में हो जाता था, अब 235 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं इसी तरह जो हल्के वाहन है, एलसीडी वाहन है, उनकी यात्रा पहले एक तरफ 250 रुपए में होती थी, अब 275 रुपए देने पड़ेंगे। आना जाना पहले 375 रुपए में हो जाता था, अब 410 रुपए देने पड़ेंगे। ट्रक बस की जो यात्रा होती थी एक तरफ की, पहले 500 रुपए में हो जाती थी, अब 550 रुपए देने होंगे। आना जाना पहले 755 में होता था, अब 825 देने होंगे। वहीं जो बड़े वाहन है, ट्राले जो होते हैं, उनकी एक तरफ की यात्रा पहले 805 रुपए में होती थी, अब 885 रुपए देने पड़ेंगे। और आना जाना जो पहले 1210 रुपए में होता था वो 1325 रुपए में देने पड़ेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ टोल प्लाजा है जिनकी कीमतें 1 अप्रैल से जो है बदल जाती हैं। कुछ टोल प्लाजा है उनकी कीमतें 1 सितंबर से लागू होती हैं। करनाल का बस्तारा टोल प्लाजा, घग्गर टोल प्लाजा जो नेशनल हाईवे पे पड़ता है, एक लाडोवाल टोल प्लाजा जो पंजाब में पड़ता है, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बिल्कुल, तो क्या ये कीमतें लागू हो चुकी हैं या लागू होंगी? जी बिल्कुल, आधी रात से ये कीमतें लागू हो चुकी हैं, यानी कि 1 सितंबर से ये कीमतें लागू होनी थी। आज पहला दिन है और तमाम यात्रियों से भी हमने बात की जो अपनी गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जो है वो असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर है, या यूं कहा जाए चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर है, वो महंगा हो जाएगा। और आम आदमी चाहता है कि या तो टोल प्लाजा कम लगे या जो टोल की कीमत है वो कम हो जाए। अगर कम नहीं होती तो एक समान रेट हो। जो करनाल का टोल प्लाजा है उसकी कीमतें काफी ज्यादा हैं क्योंकि एक तरफ का पहले 145 रुपए देना पड़ता था कार वाहन जो होते थे उनके चालकों को, अब 155 रुपए देने पड़ेंगे। तो सीधा असर उनकी अब जेब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु नारंग इस जानकारी के लिए।